तो समझते हैं फिफ्थ क्वेश्चन चैप्टर 8 मोशन का। क्या कहता है क्वेश्चन? एक ड्राइवर है, कार ट्रेवलिंग कर रहा है, किस स्पीड से? 52 किलोमीटर पर आवर से। यानी किसी बंदे की क्या ये है, क्या गाड़ी है ना, कार? कार कार तो मुझे बनानी आती है। हाँ, क्या कार है ये? देखो ये कार है, है, यस दिस इज कार, शूज लग सूज रहा है कार। वो। 52 और इसकी स्पीड कितनी है? U इज इक्वल टू है 52 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, आगे पढ़ो। ब्रेक लगाते हैं भाई, इन्होंने क्या लगा दिए? ब्रेक। ब्रेक। यार ये गड़बड़ तो नहीं लग रही? सही लग रही है ना, कार ऐसी है हमारी। ब्रेक लगा दिया, ठीक है, ब्रेक अप्लाई कर दिए तो एक्सलरेट करेगी किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। भाई सीधी सी बात है, गाड़ी ऐसे जा रही है, ब्रेक लगाओगे तो कहाँ, किस डायरेक्शन में एक्सलरेट करेगी? अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने सीधा बताया, अगर स्पीड बढ़ रही है तो प्लस में रहेगा एक्सलरेशन, और अगर स्पीड घट रही है तो, माइनस अब में ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा? घटेगी। घटेगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सलरेट होगी। समझ में आया? तो इसका मतलब एक्सलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यानी एक ही जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? अच्छा, एक ही वैल्यू दी नहीं है? नहीं दी है, कोई बात नहीं, यानी स्पीड घट रही है, समझ लो। यहां से क्या लगा दिए? ब्रेक लगा दिए ना, तो लिख दें BREAK, ठीक है। और ब्रेक लगाने के बाद ये गाड़ी यहां पहुंच गई। अब तो सही सी कार लग रही है, जूते नहीं लग रहे। हाँ, अब तो मुझे अब लग यहां पहुंच गई, तो यहां से और यहां पहुंच के उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। रहा एम आई राइट कि नहीं? है। हाँ यस, हो फाइनल रहा है। वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। कितना समय लग गया उसे देखो? 5 सेकेंड। 5 सेकंड। तो यहाँ 5 लिखो, और एस का मतलब क्या होता है? सेकंड, ठीक है। अब बेटा ये है किलोमीटर पर आवर में, और ये किसमें है? सेकंड में। जब तो सेकंड को आवर में बदलो या आवर को सेकंड में बदलो, कुछ सेकंड तो में करना ज्यादा पड़ेगा। नहीं बदल सकता, 3600 से डिवाइड कर दो, बदल जाएगा। किलोमीटर किलोमीटर करते हैं ना, चलो बदल लो। तो इसे 52, इस किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। थाउजेंड, तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड सेकेंड होते हैं। होते हैं। जीरो से, जीरो जीरो से टू जीरो थ्री जा सिक्स, टू फाइव जा 10। यहाँ तक तो समझ में आया? टू की टेबल से ये कट रहा है, टू थ्री जा सिक्स, क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई कर दो, 26 को 5 से करो, 130 आ जाएगा। और थ्री थ्री जा 9, 9 से डिवाइड कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लेंगे। कर लो भैया। कल एक स्टूडेंट पूछ रहा था, सर हमें डिवाइड नहीं आता, कौन से यही डिवाइड? मिस्टेक पूछ रहा था, सर ये स्टेप कहाँ से आया? मैंने, बेटा ऐसे ऐसे आया, उसने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियो। हाँ, मैंने फिर उसे समझाया, मैंने कोई बात नहीं, आगे से हम पूरा ही डिवाइड सिखाया करेंगे 2-4 दिन तक, ठीक है। ये लगभग 14.4 क्या आ गया? मीटर मीटर पर पर सेकेंड। सेकंड आ गया। चलिए यहां तक तो क्लियर हो गई बात, अब आगे आ जाओ। आगे क्यों आ जाए? एक दूसरा ड्राइवर भी है, उसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर या 3 है? अरे यार 30 होगा, ये गड़बड़ है, 3 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? 30, सब एमिंग है। 30 किलोमीटर पर आवर है, एनसीईआरटी की बुक से अभी निकाला है ये। दूसरी कार है, अप्लाई कर रहा है वो भी ब्रेक, कितने सेकंड में रुक जाता है? 10 सेकंड में। चलो भाई सेम टू सेम क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे यू की जगह अब क्या आ जाएगा? नया यू कितना आएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। और टाइम कितना आ जाएगा? टेन टाइम इज इक्वल टू टेन सेकेंड सेकेंड सेम टू सेम चला, यहाँ 5 सेकेंड थे, यहाँ पे 10 सेकेंड क्वेश्चन में दे दिया, यहाँ पे सीट 52 थी, यहाँ पे 32, सेम टू सेम करेंगे। इस 30 को बदलेंगे किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो सेम टू सेम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 टू 60 से सिक्सटी डिवाइड करेंगे, 10 से 10, 10 से, ठीक जीरो है, 6 5 जा 30, क्लियर हुआ? मल्टीप्लाई करो 10 को 5 से, 50 डिवाइड बाई 6, ठीक है, 6 से डिवाइड करो, 6 7 जा 42, 6 7 6 8 48, 8 जा चला जाएगा, 6 8 जा 48, 2 बचेगा 20, एट पॉइंट थ्री थ्री मीटर
पर सेकंड। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? आ गया। अब इन वैल्यूज को भर लो एक डब्बे में। डब्बे का मतलब एक ग्राफ बना लो। अब देखो कैसे डिब्बे में भरते हैं। इसे ऊपर कर दें। अरे मूव क्यों नहीं हो रहा भाई? मूव टूल से ही मूव करेगा। ये क्या है? अरे तो कुछ नहीं नहीं आ रहा है। हाँ हो गया मूव। चलो जी, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, पहले क्वेश्चन तो समझा दें तुम लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ? ग्राफ बनाओ। किस किस के बीच में? चाल और समय। चाल और समय। इंग्लिश में क्या है? कहाँ गया इंग्लिश? स्पीड वर्सेस टाइम। ग्राफ बनाना है और ये भी बताना है कि कौन सी गाड़ी अधिक दूरी चलेगी एंड विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्स फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। मतलब कौन फार्दर चलेगी, मतलब कौन ज्यादा चलेगी। फर्दर का मतलब होता है फार्दर, फार्दर ज्यादा। ठीक है, फार मतलब दूर होता है ना, एफ ए आर, फार मतलब दूर। तो फार्दर मतलब उसमें किस तुलनात्मक रूप में कौन अधिक दूर चलेगी। चलो समझ लो। तो ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बेटा कभी भी बनाए तो सबसे सब सिंपल सा तरीका एक ही चीज हमने सिखाई है। क्या? डब्बे बना लो, और दोनों के डब्बे बना लो। कैसे डब्बे बनेगा? देखो इसे और ऊपर कर दें। अरे यार इसे थोड़ा और ऊपर कर दें, लेकिन वैल्यू भी तो देखनी है। इसे हम थोड़ा छोटा करके साइड में एडजस्ट कर रहे हैं, जिससे तुम्हें ज्यादा दिखता रहे। ठीक है, खुश? और छोटा कर दें तो हमें वैल्यू भी तो देखनी है। अब यहाँ से क्वेश्चन दिखता रहेगा तुम्हें। ठीक है, राइट। अब देखो डिब्बे बनाने हैं, तो ये लो डिब्बा। किस किस के बीच में ग्राफ पूछा है बेटा? ये पूछा है स्पीड और टाइम। ठीक है, स्पीड को किससे लिखते हैं? यू लिखते हैं स्पीड को, यू या वी लिखेंगे। हाँ, स्पीड के लिए यू या वी कुछ तो लिखोगे, और टाइम के लिए टी लिख देते हैं। तो शुरुआत में स्पीड क्या थी? शुरू में स्पीड कितनी थी? ये देखो कैलकुलेट करके आई, कितनी? 14.4। और टाइम तब क्या था? जीरो। शुरुआत का मतलब टाइम जीरो है। और बाद में कितने सेकंड तक गाड़ी चली? 5 सेकंड तक। और चलने के बाद उसकी स्पीड क्या हो गई? जीरो हो गई। क्लियर है? दूसरे वाले का ग्राफ बना लो, ग्रीन वाले का। दो ग्रीन कलर से बना रहा हूं, सेम टू सेम कर लो। यहां भी यू और वी। तो शुरुआत में स्पीड कितनी थी? 8.33। टाइम क्या था? 10 सेकंड। जी हाँ, 10 सेकंड नहीं, जीरो शुरुआती स्पीड है ना। फिर ब्रेक लगाए उसने, तो जब ब्रेक लगाए तो इसकी स्पीड क्या हो गई? जीरो। टाइम कितना हो गया? 10 सेकंड में उसकी स्पीड जीरो हो गई। समझ में आया नहीं आया? कंफ्यूजन है तो पूछ लो। देखो ये स्टार्टिंग स्पीड है, ये दिख रही है? इसी को किलोमीटर पर आवर में बदला तो ये आई, यानी ये यही से। और लास्ट में स्पीड कितनी हो गई? जीरो। टाइम कितना हो गया? 5 सेकंड। यहाँ टाइम क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है कि नहीं है? हाँ। अब ग्राफ बना देते हैं। ये ला ग्राफ। सबसे बड़ी वैल्यू यू में कितनी है? इधर हमेशा यू रखना, इधर हमेशा टाइम रखना। टी समय लिख दो यहाँ पर, यहाँ पर लिख दो स्पीड। लिख दोगे? हिंदी वाले चाल, वहां पे समय। अब देखो बेटा यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू है 14.4। किस में? यू में। तो 14 तक चलने के लिए 2-2 का डिफरेंस ले लो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। और टाइम सबसे ज्यादा कितना है? 10 सेकंड है। सबसे ज्यादा टाइम किधर है? इधर 5 है, इधर 10 है। सबसे बड़ा टाइम ये है। टाइम की अरे ये टाइम है, ये वी क्यों लिख दिया? अच्छा मैंने सुना नहीं। फिर यह टाइम है टी। ठीक है, तो टाइम सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? इधर टाइम की वैल्यू सबसे बड़ी 5 है, इनमें से टाइम की वैल्यू सबसे बड़ी 10 है। तो 10 कर दो, तो 2-2 का डिफरेंस ले लें। 2, 4, 6, 8, 10। बताओ समझ में आया नहीं आया? पहली वैल्यू बताओ 14.4, तो 14.4 14 से थोड़ा सा ऊपर होगी। हाँ। और टाइम पे कितना है? 5 पकड़ो, कहाँ है? 4 और 5 के बीच में होगा। 4 और 6 के बीच में, सॉरी। इन दोनों को मिलाती हुई क्या खींच देंगे? लाइन। बताओ समझ में आया नहीं आया? ये पहले बंदे का कर्म हो गया। अब दूसरा वाले के पकड़ो, ग्रीन वाले का। 8.33 कहाँ होगा? 8 और 10 के बीच में थोड़ा सा 8.33 यहाँ पे पड़ेगा, 8 से ऊपर है। और टाइम कितना है? 10। इन दोनों को मिलाती हुई लाइन खींच दो, ये ऐसे ऐसे। तुम्हारे पास तो स्केल होगी, सही से खींच लेना। ठीक है, क्लियर हो गया? ग्राफ बन गया, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब पूछ रहा है कौन ज्यादा दूरी तय करता है। तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया है कि अगर हम स्पीड
और टाइम के बीच में ग्राफ खींचे तो इसके नीचे का जो ये एरिया होता है, दिख रहा है ये एरिया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, तो डिस्टेंस किसका? फर्स्ट वाले का, फर्स्ट कार, पहली वाली कार जो जूते वाली थी, ठीक है। तो ध्यान से देखो इधर बेटा, अब इसी को केवल नजर रखना, बाकी को ग्रीन को भूल जाओ। ये एंगल 90 डिग्री का है, इस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर कह लो या हाइट कह लो, परपेंडिकुलर कर दिया, परपेंडिकुलर। तो बेस मतलब आधार कितना है, देखो तो यहां से लेकर यहां तक है, तो यहां तक कितने सेकंड? फाइव लिख दो। और परपेंडिकुलर कितना है यहां से लेकर यहां तक, ये वैल्यू कितनी थी? 14.4 लिख दो, 14.44, ठीक है। टू से काट दो, 7.22, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, 5 7 जा 35, 35 1 36, तो 36.1 समथिंग आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, इतना आया, कितने इतने मीटर, क्लियर। अब दूसरे वाले की देख लो, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड कार, सेकेंड कार सेम फार्मूला लगाएंगे, यही लिखेंगे हाफ। अब देखो बेस कितना है दूसरी हरी वाली, हरी वाली देखो बेस कितना है, 10 है, तो लिख दो 10। परपेंडिकुलर कितना है हरे वाले का? 8.33 लिख दो, 2 से काट दो, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 1 16, 5 8 जा 14 1 41, तो ये हो गया 41.65। बताओ कौन सी गाड़ी ज्यादा चल रही है, सेकेंड ज्यादा चल रही है, लिख दो सेकेंड कार ट्रेवल्स मोर, आंसर में लिख दो, लिख दोगे? हाँ। सेकेंड कार ट्रेवल्स मोर, ज्यादा ट्रेवलिंग कर रही है, बताओ। कंफ्यूजन है कोई? नहीं, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ। एक काम करता हूं, इसको मैं एक साथ बनाने के लिए सिलेक्शन टूल पे गया, 1 2 3, देखो अभी ठीक कर देता हूं, बस ये छूटे नहीं, छूट गया क्या? अरे ये क्या हुआ, चीटिंग करता है ये, मैं सोच रहा था सही से एडजस्ट कर देता मैं, अब ट्राई करता हूँ। अच्छा एक बार और, अरे छूटा तो नहीं, अभी तक तो नहीं छूटा है, छूटना नहीं, ये हो गया पूरा पकड़ लिया, पूरा ही पकड़ रहा है वो। अरे ऐसे क्यों पकड़ लिया, कोई बात नहीं एडजस्ट कर देंगे हम। ठीक है, लो अब सही से दिख जाएगा, पूरा दिख रहा है, नोट कर लो।